हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं नायरा कट कुर्ती। तो आप देख सकते हो ये नायरा कट कुर्ती कितनी प्यारी लग रही है। तो नायरा कट कुर्ती सीखने के लिए सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को टू फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग फैब्रिक पे सबसे पहले मार्किंग कर लूंगी और यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ ली है 14 इंचेस और जो मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ वो है 6.5 इंचेस। इसी तरीके से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे 6.5 इंचेस पर। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 10.25 इंच पर और वेस्ट मार्क कर रही हूँ 8.25 इंच पर। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई को मिला देंगे। फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई को हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे साइड्स में और इसको भी अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम सेम बैक की कटिंग भी इसी तरीके से करेंगे, बट उसमें हम आर्म होल का ध्यान देंगे। तो जो मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ इसी पैटर्न को उसी के ऊपर रखकर और आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट को मैंने अलग कर दिया है और उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर दोनों अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे और अच्छे से पिन अप करके सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इस चोली के फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरीके से रफली मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे अस्तर से अस्तर मिलाकर अच्छे से पिन अप करके इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक में दोनों में सेम नेक की कटिंग करने वाली हूँ। तो फ्रंट और बैक को मैं दोनों को एक तरह से ऊपर नीचे रख कर इस तरीके से मार्क कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ ली है 4.5 इंच और चौड़ाई ली है 3.5 इंच। अब इसको हम कच्ची सिलाई से सेट कर लेंगे दोनों नेक को। सेट करने के बाद हम इसको सीधे की ओर इस तरीके से पलटकर देखेंगे तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी गले की हमारी फिनिशिंग आई है। फ्रेंड्स, आप एक बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी आप अस्तर को सेट करें तो अस्तर आपका फैब्रिक की सीधी ओर होना चाहिए। मतलब जो मेन फैब्रिक है वो आपका सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर अस्तर रखना आप, उसके बाद ही आप गले की इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर पूरे फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट करने के बाद हमने पूरे फैब्रिक को कच्ची सिलाई से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं आपको हाइट वाला शोल्डर को स्टिच करना सिखाने वाली हूँ। तो हम हाइट तरीके से कैसे शोल्डर को स्टिच कर सकते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले हम दोनों अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर की ओर से स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस तो आप दोबारा से बैक करके चेक कर लीजिएगा मैंने किस तरीके से इसे सेट करा है और स्टिच करा है। तो आप देख सकते हो आप कितनी प्यारी हमारी शोल्डर की फिनिशिंग आ रही है। आपका दोनों साइड पे बिल्कुल सीधा सीधा ही फिनिश आएगा, एकदम क्लीन फिनिशिंग आएगी आपके शोल्डर पे। उसके बाद हम दूसरी शोल्डर को भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब हम नीचे घेरा कट करके लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं घेरे की लेंथ ले रही हूँ 32 इंचेस। 32 इंचेस हमारी टोटल घेरे की लेंथ है। हमने चोली को माइनस कर दिया है। चोली को माइनस करने के बाद 32 इंचेस हमारी घेरे की टोटल तैयार लेंथ आ रही है। 32 लेंथ विद मार्जिन ली है गाइज मैंने लेंथ। इसके बाद हमने यहाँ पे बीच में से कट कर दिया है फैब्रिक को ताकि हमारे घेरे के दो पार्ट हो जाएं। उसके बाद हम अस्तर को भी इसी तरीके से ऊपर से पहले इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हम टू फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को रखा है और मैं इस तरीके से कट कर लूंगी और बीच में से भी कट कर दूंगी। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे बॉक्स प्लीट की मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग के लिए मैंने लंबाई यहाँ पे 5.5 और चौड़ाई 1.5 इंच ली है। उसके बाद मैंने रॉन्ग साइड से बॉक्स प्लीट को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो ये फ्रंट साइड हमारी ऐसी कुछ लगेगी। इसके बाद हम यहाँ पे अस्तर को उसके साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम बॉक्स प्लीट से 1 से 1.5 इंच दूरी पर प्लीट्स का निशान लगाएंगे और यहाँ पे प्लीट्स बना देंगे। तो प्लीट्स को बनाने के बाद मैं यहाँ पे ऑल पिन से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चोली को ज्वाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक की चोली को दोनों को इक्वल तरीके से जॉइंट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। अब हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट मैंने यहाँ पे 10.5 लिए है और कमर 8.5। अब मैं शोल्डर से यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये नायरा कट स्टाइल है तो यहाँ पे आप 15 से 16 इंच पे स्लिट के लिए मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको
इसका फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अस्तर को फोल्ड करना है, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है। सो गाइज, यहाँ हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा स्टाइल अप करने के लिए मैंने सेंटर में डोरी भी लगा दी है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हो, पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इस कुर्ती की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।